खुशी उत्साह उमंग उल्लास के साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने बताया कि कोटा रोड पर ग्राम बमूलिया की धन्य धड़ा पर श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम जिनालय का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इटावा में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इटावा शहर व देहात मंडल के तत्वाधान में तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। 12 अगस्त आज सांगोद में नगरपालिका डोम में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। दलित आदिवासी गरीबों की जमीन भूमाफिया द्वारा कब्जा करने और आए दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हमले के संदर्भ में भीम आर्मी अंता ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। हिंडोली उपखंड अधिकारी को नाले का गंदा पानी निकलवाने की मांग का सौंपा ज्ञापन। बूंदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। बारा में आदिवासी क्षेत्र कस्बा थाना के एक कर्मचारी ने बेटी के प्रथम जन्मदिन को यादगार करते हुए आदिवासी समुदाय के बच्चों के साथ मनाया। ससवाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ससवाली में 12 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान के हर जिले में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम, राजस्थान के करोड़ों विद्यार्थी द्वारा एक स्वर में देशभक्ति गीत गायन महाराव उम्मीद सिंह स्टेडियम नयापुर में आयोजित किया गया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।